देखो तो बोला ऐसी नहीं है। अगले दिन पानी नहीं रहा पीने के लिए। मैंने बोला लोगों ने इसके लिए 2.5 लाख भरे। देखो आजकल मैं बहुत लड़कियों के साथ घूम रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि इनके पास लोए बताओ 1.5 लाख का खाना खा रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज 2 लाख के। हाय मैं हूँ सिमरन बुधारप और आज मैं कर रही हूँ अमीर पार्टी सेगमेंट विद टेली मसाला। ये पैसे का खेल है, अमीर पार्टी है यार। वेल सेलेब्स के लग्जरियस लाइफ में किसको दिलचस्पी नहीं है। सभी क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि उनके फेवरेट सेलेब्स ने कितने रुपयों की घड़ी पहनी है, उनकी गाड़ी कितने करोड़ों की है। तो बस फैंस के इन्हीं सवालों का जवाब टेली मसाला के पास है। कुछ नहीं, ये मेरी रिंग। अब पैसे तो नहीं बताने पड़ेंगे ना कितने की है रिंग। नहीं मतलब ये अभी के लिए तो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि ये तो सारा शूट का है तो फिर दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव। ये मैंने शायद मेरे फर्स्ट शो के छोटे छोटे तब मेरे को सेविंग्स आती थी कलेक्ट कर करके ये मैंने एक रिंग बनवाई थी अपने लिए। तो अभी के लिए तो यही है सबसे एक्सपेंसिव। थोड़ी होगी यार, ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए मुझे बोलना नहीं है। आई हैव बॉट गाइज जितनी सबसे महंगी मेरी चीज़ें हैं ना, सब मुझे फ्री में आई हुई है। जो ब्रांड्स वाले बेचते हैं सारी फ्री की चीज़ें। तो वैसे एक एक्टर होने का ये फ़ायदा होता है कि यू नो आपको खुद के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। वो हो जाता है कहीं ना कहीं से, मतलब लोग नहीं देते पर ब्रांड्स देते हैं। तो वैसे सारी मेरी एक्सपेंसिव चीज़ें ब्रांड्स। पर हाँ, मैंने अभी अभी एक घड़ी खरीदी मेरे लिए। मैं घड़ी पहनती नहीं हूँ पर अभी आजकल मैं लड़कियों वाले शौक बहुत हो रहे हैं तो घड़ी मैंने एक खरीदी वो 30,000 की। मतलब अभी के लिए तो मेरे लिए वो एक्सपेंसिव है। अभी मैं सोच रही थी किसी को गिफ्ट करने का एक BMW बाइक, पर अभी मैंने सोचा नहीं है कि करना है कि नहीं। उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत एक्सपेंसिव मैंने किसी को गिफ्ट किया हो। नहीं यार, मैं मोस्टली ना हैंडमेड, और मैं हैम्पर्स में बिलीव करती हूँ। जितने मेरे एकदम क्लोज है ना, मैं उनके लिए हैम्पर्स बनाऊंगी। तो क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें बन के बहुत सारा मैं एकदम लाइट्स वाइट सजा वजा के देती हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई गिफ्ट। एंड एक कार्ड तो हाथ से उसमें बना के दूंगी। सो आई बिलीव इन गिफ्टिंग पर्सनलाइज थिंग एंड दैट इज़ वॉट आई लव टू गेट बिहाइंड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव या फिर चीप से ज़्यादा आपको वो चीज़ यूज़ होनी चाहिए। कोई मुझे एक सॉक्स भी दे देता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि मुझे यूज़फुल चीज़ें मिली है। सो या नहीं, मैं जो खरीदती हूँ खुद के लिए मैं किसी के ऊपर रिग्रेट नहीं करती। वो जो हो गया सो हो गया। तो उस दिन भी मैं एक घड़ी नहीं लाई, मैं 2 घड़ी लाई। मैं एक ही का बजट लेके गई थी पर वहाँ ऐसे हो गया अब क्या करूँ। कोई मेरे फ्रेंड्स रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक, तो मैंने बोला छड्डो, दोनों ही ले आ गई। दोनों ले गई तो ऐसे दिल में थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हुआ क्या कर दिया, पर ठीक है यार हो गया। अब खुद पे खर्चा नहीं करूँगी तो किस पे करूँगी। अगेन आई वेंट इन फ्री ब्रो। मेरा तो इनिशियली जब मेरे पापा एक कंपनी के साथ थे उनको वर्ल्ड टूर्स होते थे तो मैं वर्ल्ड टूर करके आ चुकी हूँ, पर अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। यार मैं ऐसे पैसे वाली बंदी हुई नहीं, मैं कैसे ये सब और मुझे पता है कि सारी चीज़ें मुझे कोलाब में मिल जाएगी। क्या मैं अपने पोल खोल रही हूँ? मोस्ट एक्सपेंसिव, सी आई डोंट नो अबाउट एक्सपेंसिव। हाँ अभी लगता है स्काई डाइविंग। आई थिंक आई विल डू स्काई डाइविंग। इट्स समथिंग थ्रिल दैट आई वुड लव टू डू। एंड और क्या है दुनिया में बहुत एक्सपेंसिव। मैं कल परसों एक टेंट में रहने गई थी राजस्थान में, वो 2.5 लाख का था, ठीक है, एक दिन का टेंट जो मुझे मैंने खर्चा नहीं किए। बट आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट आई हैव डन। इट वाज। और मेरी फ्रेंड पूछी एसी तो होगा ना, मतलब ऑफ कोर्स एसी होगा यार, इतनी गर्मी, राजस्थान की गर्मी में एसी कैसे नहीं होगा। दादा के देखो तो बोला एसी नहीं है। अगले दिन पानी नहीं रहा पीने के लिए। मैंने बोला लोगों ने इसके लिए 2.5 लाख भरे। तो इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी, बट देन ठीक है। आई थिंक वो लोग सच में हमें रेगिस्तान की फील देना चाहते थे। बट दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट आई हैव डन सो फार। मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट आई वांट टू रिसीव, आई थिंक आई एम नॉट दैट मनी पर्सन। मैंने जैसे बोला मुझे सॉक्स भी दे दो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो बट ठीक है, आई थिंक माई वेडिंग रिंग शुड बी एक्सपेंसिव। मतलब थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देखो आजकल मैं बहुत लड़कियों के साथ घूम रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि इनके पास मुझे बताऊँ गुची के बैग्स है जो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। सो आई थिंक आई विल इन्वेस्ट इन दैट एंड मुझे एक बहुत बहुत महंगी सुपर बाइक खरीदनी है अपने लिए, तो वो मैं खरीदूँगी, पर वो तब खरीदूँगी तो बहुत पैसा पड़ा होगा कि ठीक है बहुत पैसे थोड़े डाल दो एक्सपेंसिव बाइक्स में, क्योंकि अभी तो बाइक चलाती नहीं हूँ धूप की वजह से। मतलब यू नो नाउ एन एक्टर आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो अब तो मैं बाइक चलाती नहीं हूँ, बट आई थिंक मुझे खरीदनी है सुपर बाइक अपने लिए। मेरे से वैल्यूएबल क्या होगा? मतलब आई थिंक मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन माई हाउस, यार मैं एक सादे घर से आती हूँ यार, क्या होगा? गाड़ी एक्सपेंसिव है, तभी जब मेरे पापा ने खरीदी थी फिर मैं उसका बताई, पर वही है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, वो भी क्योंकि EMIs में जाती है तो इतनी नहीं लगती। फूड जो मिशनल रेस्टोरेंट में होता है ना, वैसे मैं अपने पापा और उनके फ्रेंड्स के साथ गई थी, जहाँ पे बाली जाते हो ना आप तो सब कुछ इतने लाखों लाखों का होता है खाना, मतलब उनकी करेंसी वैल्यू हमसे कम है, तो ऐसे लगता है 1.5 लाख का खाना खा रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज 2 लाख के। तो वैसे अदरवाइज मैं फूडी हूँ, पर ऐसे ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेंसिव है तो बहुत अच्छा होगा। मैं रास्ते के वड़ा पाव में भी ऐसे ढूंढ रही थी, सबसे बेस्ट वड़ा पाव मिला है मुझे। 12 साल पहले की बात होगी, जब हम गए थे वहाँ पे बाली नहीं पेरिस गए थे, तो पापा के फ्रेंड्स दे आर लाइक, उनको खाने में मतलब वो लोग मुझे लगता है अपनी आधी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपनी आधी सैलरी खाने पे खर्चा करते हैं, ऐसे हैं मेरे पापा के फ्रेंड्स, तो उनके साथ जाके जब हुआ था तो बहुत एक्सपेंसिव था। आई थिंक पर पर्सन गया होगा कुछ 40,000 तक इंडियन रुपी में। दैट टाइम सो इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट पापा ने दिए। लगता है यार सोचना तो बहुत बड़ा सोचे थे, काइली वाइली कैसे यार बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते, इतनी बड़ी बड़ी कार्स एंड यू नो सारी कार्स को उन्होंने कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया होता है। आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ लाइक देम, तो आई थिंक मुझे हॉलीवुड जाना चाहिए, इट्स टाइम। अमीर पार्टी में देखो ये याद आया कि अब सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। जितनी मैंने बातें कर ली, जितने मैंने सपने भूल लिए, उससे मुझे ये समझ में आ गया कि सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। और इट वॉज अ गुड सेगमेंट, आई लाइक इट, दो आई एम नॉट अ मनी पर्सन अगेन। मैं कभी भी मतलब मुझे अगर बोल दो कि जेब में 150 रुपये तो भी मैं रेडी हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सर्वाइव कर जाऊँगी कैसे भी। सो इट्स लाइक दैट, बट अगेन अमीर होना किसे नहीं पसंद, तो लेट्स ड्रीम अबाउट इट, लेट्स मेक इट ट्रू।